हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट कस्टर्ड, जो कि बहुत जल्दी बनता है। आप इसको पहले से बना के रख दें और जब भी आपके गेस्ट आने वाले हो आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। कस्टर्ड बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे शुगर। तो यहाँ पर 1/4 कप शुगर है और यहाँ पर है 1/4 कप मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर पे है। यहाँ पर है कुछ कटे हुए नट्स, जिसमें कि मैंने पिस्ता, बादाम और काजू का यूज़ किया है। आप नट्स यूज़ करके देखिए कस्टर्ड में, उससे कस्टर्ड का स्वाद डबल हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास है कुछ फ्रूट्स, जैसे कि 1/4 कप अनार, 1/4 कप महीन कटा सेब, 1/4 कप महीन कटा केला। यहाँ पर मेरे पास है दूध, जिसको कि मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था। यहाँ पर मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने आज ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। मैंने और भी कई फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर ट्राई किए, पर सबसे अच्छा वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पाउडर बनता है। तो हम अब 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर एक बाउल में लेंगे और हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको घोल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में घोलें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन लिया है और अब हम इसमें ये मिल्क डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम दूध में एक बॉयल आने देंगे। ये देखिए, दूध में अब बॉयल आ गया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे शुगर, इसको मिक्स कर लेंगे। तो शुगर वैसे 1/4 कप कस्टर्ड के लिए काफ़ी होती है। अगर आप कम शक्कर खाना पसंद करते हैं तो आप 3 टेबलस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये घोला हुआ कस्टर्ड पाउडर। इसमें थोड़ा वापस मिल्क डाल के और हम बचा हुआ कस्टर्ड पाउडर भी इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको मुश्किल से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम मिक्सचर को अच्छे से थिक हो जाने देंगे। इसको हम नीचे बेस से चलाएंगे क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी जल जाता है। इसको आँच को हम हल्का सा इस टाइम पर स्लो कर देंगे। तो आप इसको नॉन स्टॉप चलाते रहें। कस्टर्ड को पकते हुए अब 2 मिनट और हो चुके हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। हम इसको एकदम ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स और नट्स डालेंगे। अभी कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है। हम इसमें डाल देंगे ये अनार और थोड़ा सा अनार हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। इसमें डाल देंगे ये चॉप किए हुए एप्पल्स, चॉप किए हुए बनाना। तो यहाँ पर आप और भी फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स और पपाया, उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे थोड़े से नट्स और बाकी नट्स हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पाइनएप्पल को छोड़कर कोई भी फ्रूट कस्टर्ड में डाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप कस्टर्ड में पाइनएप्पल बिल्कुल ना डालें, उससे कस्टर्ड जो है वो कड़वा हो जाता है। और अब हम इस कस्टर्ड को फ्रिज में उठा के रख देंगे और इसको एकदम चिल्ड कर देंगे करीब 2 घंटे के लिए। कस्टर्ड अब ठंडा हो गया है। हम इसको बाउल में डाल देंगे, इसको गार्निश करेंगे थोड़े से बचे हुए अनार के साथ और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चॉप्ड नट्स। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान था। और आप इसको जब गेस्ट आने वाले हो तो थोड़ा पहले से बना के रख दें। काफ़ी जल्दी बनता है, बहुत यमी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।